ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हेन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म एन अनडिजायर्ड एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट विच मे कॉज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब एक अलग सा इफेक्ट दे देते हैं। ठीक है, या इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मिक्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट किससे मिलके बना होता है, इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। ठीक है, टैबलेट है, एक एक जो टैबलेट है वो मेन इंग्रेडिएंट से नहीं बन रही है, उसमें डाइल्यूटिंग एजेंट भी डाल रहे हैं, कलरिंग एजेंट भी डाल रहे हैं, फ्लेवर भी डाल रहे हैं। ठीक है, जब उनको वो मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, एक अलग से इफेक्ट दे देते हैं ये जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये इफेक्ट जो होता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कॉज करता है। मतलब जो प्रोडक्ट होनी चाहिए कि स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए हमें, हम सिरप बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम 3 साल तक इसे स्टेबल रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, अगर हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्सिंग की है, ठीक है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट थे उसको भी हमने ऐड कर दिए उसमें, तो क्या कर देगा, जो प्रोडक्ट है हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, वो 3 साल तक वो अपनी स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा। तो ये क्या कॉज करती है, ये इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करती है। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक अनइंटेंडेड या अनडिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक, अब इनकम्पेटिबिलिटी है या फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, ये 3 टाइप्स की है। कितने टाइप की है, 3 टाइप्स की है। पहली है फिजिकल, फिजिकल, दूसरी है केमिकल, केमिकल, थर्ड है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। पहली थी आपकी फार्मास्यूटिकल फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जो प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट में अगर कलर चेंज हो गया है, उसका टेस्ट चेंज हो गया है प्रोडक्ट का, जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, कलर चेंज हो गया, टेस्ट हो चेंज हो गया, ऑर्डर हो गई उसकी, ठीक है, ऑर्डर टेस्ट कलर ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या कॉज करता है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है वो, या कॉज करता है, मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें, कलर चेंज हो रहा है। अगर हमें चाहिए कि ग्रीन कलर आना चाहिए किसी प्रोडक्ट का, सिरप का, ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, तो क्या होगी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होगी। ऑर्डर कैसा आना चाहिए, कि उसकी स्मेल सही से होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेवर्स की स्मेल आनी चाहिए, इलायची की स्मेल आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है, तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। टेस्ट जो उसका होना चाहिए वो टेस्ट भी नहीं है, तो क्या है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक, क्लियर है। अब दूसरी है हमारी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी पता चल रहा है कि नाम केमिकल है, तो केमिकल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या होता है, डिग्रेड हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट का, या हमने प्रोडक्ट को अगर यहाँ पे रख दिया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, तो क्या करता है ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करता है। ठीक है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं इम्प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, और वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेंज कर देती है, तो क्या है, ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक, थर्ड है आपकी थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या आता है, कि प्रोडक्ट का जो इफेक्ट है, ठीक है, पैरासिटामोल हम किस लिए यूज करते हैं, कि हमारा जो फीवर हो रखा है कि वो कम हो जाए। ठीक, एक इफेक्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन क्या होता है कि थेराप्यूटिक, इसमें थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में कि प्रोडक्ट का जिस चीज़ के लिए हमने बनाई है, डिस्पिन सर दर्द के लिए बनाई है, वो सर दर्द तो को रिड्यूस नहीं कर रही है और इफेक्ट दे रही है, तो उसको मतलब जो थेराप्यूटिक इफेक्ट आना चाहिए ड्रग का वो नहीं आ रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कॉज करती है, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करती है। यहाँ तक हो गया था, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है।
इफेक्ट है वो रह जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी किससे होती है, प्रेसिपिटेशन से भी हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जो मॉलिक्यूल से जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक नीचे क्या रहते हैं क्लियर जो हमारा सब्सटेंस है वो रह जाता है, और क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें क्या होता है अगर हम उसको प्रोडक्ट को सनलाइट में रख रहे हैं या वैसे भी हमने रख दिया प्रोडक्ट, हमने जैसे कूल प्लेस में रख दिया तो क्या करते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो भी क्या रिजल्ट कर रहा है जो हमारी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है उसको कॉज करता है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट मे बी रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन एंड अ टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट मे बी फॉर्म, क्या होता है केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में, तो वो क्या बना रहा है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को कॉज करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि जो हमारी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो नहीं होती है टॉलरेटेड, टॉलरेटेड मतलब इसको हम टॉलरेट कर देते हैं, अगर हो भी जाती है ना, मतलब अगर आप उसके प्रेसिपिटेट बने हैं तो क्या हो गया, अगर हम उसको शेक करेंगे तो प्रेसिपिटेट जो होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे या उठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ये स्टेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक। एक होती है एडजस्टेड, क्या होती है एक एडजस्टेड होती है जिसमें हम एडजस्ट करके चलते हैं प्रोडक्ट को, वो होती है आपकी एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो क्या है इसमें, कहाँ तक लिखा था आपने, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ, इट मे बी ए रिजल्ट ऑफ क्या है, इट मे बी ए रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स, केमिकल इंटरेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, इंटरेक्शन भी बोल सकते हो, या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं प्रोडक्ट में, क्या कॉज करती है वो प्रोडक्ट की केमिकल को कॉज करते हैं, केमिकल जो होते हैं उसमें उसको कॉज करते हैं, ठीक है। इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स, जिसने अपनी फेयर कॉपी बना रखी है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो सुन सकता है, जिसने फेयर कॉपी नहीं बनाई है वो नोट करेगा, ठीक है। इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन, बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन एंड ए टॉक्सिक, एंड ए टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं जो अफेक्टिव प्रोडक्ट जो अफेक्टिवनेस नहीं शो कर रहा है उसको हम बोल देते हैं टॉक्सिक, एंड ए टॉक्सिक, टॉक्सिक और इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव प्रोडक्ट में भी फॉर्म्ड, मतलब एक्टिव प्रोडक्ट चाहिए हमें लेकिन एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इनएक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए कैसे होता है वो, उसमें केमिकल इंटरेक्शन हो गया इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन हो गया तो क्या कॉज कर रहा है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कॉज कर रहा है, ठीक है। कंपैटिबल मतलब क्या होता है, स्टेबल, कंपैटिबल मतलब स्टेबल होता है, और इनकम्पेटिबल क्या होता है, अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। इसमें लिखो इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉमा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉमा हाइड्रोलाइसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस, अब कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, ठीक है, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हो गया, या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। तो ये रिएक्शन जो हमें दिखती कैसे हैं, कभी कभी ऐसा होता है प्रोडक्ट रखा है हमने, ठीक है, उसको शेक करा तो उसमें क्या और एफर्वेसेंस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब झाग प्रोड्यूस हो रहा है, जो बॉटल से भी हमने बंद किए हुए बॉटल उससे भी बाहर निकल के आ रहे हैं, एफर्वेसेंस से पता चल जाएगा कि इसमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गई है, ठीक है। या प्रेसिपिटेट मैंने बताए थे, मतलब
सेंसेशन में बी नोटिस्ड बाय एफर्वेसेंस. एफर्वेसेंस मतलब झाग. एफर्वेसेंस अगर स्पेलिंग नहीं पता है बच्चों तो पूछ लेना. एफर्वेसेंस EFFERVESCENCE एफर्वेसेंस. डीकंपोजिशन 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 मतलब डीकंपोज हो गया हमारा प्रोडक्ट. डीकंपोजिशन. कलर चेंज कलर चेंज कलर चेंज कलर चेंज किसमें हुआ था? पहले वाली जो इनकम्पैटिबिलिटी थी उसमें भी कलर चेंज हो गया था. कलर भी चेंज हुआ था, ऑर्डर भी चेंज हुआ था, टेस्ट भी हुआ था चेंज. तो कलर चेंज इसमें भी हो सकता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि हम जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के यूज करते हैं. ठीक, FDCA डाई के कलर्स यूज करते हैं. ठीक है, कलर चेंज. प्रेसिपिटेशन 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 ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी लिखना. टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, इसमें है पहली है टॉलरेटेड. टॉलरेटेड टॉलरेट कर सकते हैं मतलब सहन कर सकते हैं. टॉलरेटेड. दूसरी है एडजस्टेड. टॉलरेटेड इसमें लिखो, नोट डाउन करो. इन टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी. इन टॉलरेटेड TOLERATED intolerated incompatibility. The reaction is minimized. The reaction is minimized. The reaction is minimized by applying some suitable order of mixing. Some suitable order of mixing. Some suitable order of mixing. Suitable order of mixing. Or mixing the solution in. Or mixing the solution in diluted form. Or mixing the solution in diluted form. But no alteration is made in the active ingredients. But no alteration is made in the active ingredients of the preparation. देखो क्या होता है, हमें पता है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, हमने प्रोडक्ट बना दिया. प्रोडक्ट में क्या हुआ, केमिकल हमने कुछ टाइम बाद देखा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुके हैं या एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हुआ है. तो क्या हमें क्या लगा कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इसमें प्रोडक्ट में हो गई है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि जो हमने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए थे, ठीक है, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हमने प्रोडक्ट कलेक्ट किए, फिर उनको क्या किया, मिक्स किया. मिक्स करने के बाद क्या होता है, जो दूसरा हमें एक्टिव प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाता है. ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाटर ले लिया. वाटर में अकेशिया ले लिया. ठीक, अकेशिया ले लिया. वाटर में हमने अकेशिया को मिक्सअप कर दिया. क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. ठीक है, देन हमने क्या किया, उसमें हमने कलरिंग एजेंट डाल दिया. कलरिंग एजेंट के बाद क्या डाला हमने, प्रिजर्वेटिव डाल दिया. ठीक है, प्रिजर्वेटिव डालने के बाद हमने क्या कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट पूरा बन चुका है, हमने मिक्स कर दिया और उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया. ठीक, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गए, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, तो ये इनकम्पैटिबल हो गया प्रोडक्ट. तो हम क्या करते हैं,
मिक्सिंग हुई थी, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ था वो। तो हम क्या करते हैं, जब हम अकेशा लेते हैं दोबारा से, हम उसको क्या करते हैं, हम चेंज कर रहे हैं मिक्सिंग का। तो अकेशा को हमने पहले पाउडर फॉर्म में लाए, क्या लाए हम उसमें, पूरे पाउडर फॉर्म में लाए। फिर क्या किया हमने, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक अपैरेटस होता है जिसमें जो जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह से प्रॉपरली बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इनटू फाइनाइट ग्लोब्यूल्स, मतलब बिल्कुल जो क्लियर है, जो हमारी मिक्सिंग होती है, हमें लगता नहीं कि हमने इसमें कुछ मिक्स भी किया है। एक साइड में रखा था हमने जिसमें सॉलिड अकेशा लिया था और पाउडर में मिक्स कर दिया, तो उसमें थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स थे वो हमें दिख रहे थे, ठीक। और दूसरे में हमने क्या किया, अकेशा को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिक्स करके देन हमने वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सारे पार्टिकल्स थे अकेशा के वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। देन क्या किया हमने, इसमें कलरिंग एजेंट डाल दिया, फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, ठीक है, उसको भी हमने साथ में रख दिया। एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। तो ए में तो क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं, लेकिन बी में क्या हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इनकम जो इसमें जो था हमारा टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी, हमने इसको बचा दिया। सपोज हमने सिरप इसके, ये जो हमने बनाया था इसके हमने 10 बैच बनाए हैं, तो 2 बैच तो हमारे ख़राब हो गए, ठीक है। अब 10 बैच बनाने हैं, तो बाकी के जो 8 बैच बचे हैं उनमें हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे प्रोडक्ट की पहले, ठीक है, तब हम बनाएंगे। तो क्या किया हमने, उसको टॉलरेट कर दिया, रोक दिया वहीं पे, ठीक है, समझे, समझे मनीष, नहीं समझे। देखो क्या हुआ, सपोज हमें 10 बैच बनाने हैं, टैबलेट की बनाने हैं 10 बैच, ठीक है। अब टैबलेट की को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा, ठीक है, वो लेते हैं जो अपना असर दिखाता है। नींद आ रही है, नौनी, हाँ मैम, ठीक है। तो क्या होता है, हमने एक तो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, उसके अलावा क्या होता है, जैसे घर में ही हम चाय बनाते हैं, चाय में हम क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, शुगर डालते हैं, देन क्या अगर हम अदरक वगैरह डालना है वो भी डालते हैं, ठीक है। कोई चाय पत्ती पहले डाल देता है, कोई चीनी पहले डाल देता है, कोई अदरक पहले डाल देता है, ठीक है, बन जाती, लेकिन क्या है, अपना प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा ही से बिल्कुल ट्रेंड जो है चाय बनाने वाले, उनको पता चल जाता है कि हमने पहले क्या क्या इंग्रीडियंट यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम तरीके से बनाएं तो पहले पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसमें चाय पत्ती डाल रहे हैं, ठीक है, देन शुगर डाल रहे हैं, देन अदरक डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो अच्छी क्वालिटी की चाय बनी, दूसरी क्या बनी, सही, मतलब एक गलत तरीके की चाय बनी है। वो किसको पता चल रहा है, ट्रेंड जो है उसको पता चल जाता है इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, मतलब मिक्सिंग, एक बार में तो हमने ढंग से मिक्सिंग की है, एक में ढंग से मिक्सिंग नहीं की है। लेकिन बनाना क्या, हमें तो चाय बनानी थी, वो जो लास्ट प्रोडक्ट था वो हमारा बनाना ही था हमें, ठीक है, वो तो बन गया है। लेकिन हमने जो प्रॉपर इम्प्रॉपर वे था मिक्सिंग का, एक में इस तरह से बना दी कि हमने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी, और एक हमने तरीके से डाल लिया, पानी को पहले बॉयल करके डालना है, तो जो हमने करेक्ट तरीका जो हमें फॉलो करना था वो करके अगर हम बनाएंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी होगी, वो राइज नहीं होगी, ठीक है, आप समझे, ठीक है। अब दूसरी है एडजस्टेड आकांक्षा, समझ आ रहा है, दिव्यांशी, प्राची, दूसरी है एडजस्टेड। इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात चल रही थी, पहले थी इसमें टॉलरेटेड, दूसरी है एडजस्टेड। इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी द रिएक्शन इज प्रिवेंटेड बाय, द रिएक्शन इज प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ, द रिएक्शन इज प्रिवेंटेड, प्रिवेंट करते हैं हम रिएक्शन को। रिएक्शन क्या क्या हो गया केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो उन रिएक्शन को हम एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, बाय एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी द रिएक्शन इज प्रिवेंटेड बाय, मतलब जो इनकम्पैटिबल रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो उनको हम रोक सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, वन ऑफ द
अब इसके अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं, घर में क्या होता है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क लेके आए हो आप, गर्मी हो रही है, आपने क्या किया उसको 5 घंटे बाद गर्म किया, तो उसमें से क्या होता है, स्मेल आ जाती है, मतलब हमें लगता है कि ये फटने वाला है, ठीक है, मतलब इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सोडा जो होता है, सोडा हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर आपका दूध है, वो 10 घंटे तक चलने वाला था, ठीक है, तो क्या करेगा, 12 या 15 घंटे तक चल जाएगा, बाय द एडिशन ऑफ सोडा हमने ऐड कर दिया है, उससे फटेगा नहीं वो दूध, रिएक्शन वगैरह नहीं होंगी, ठीक है, वो तो क्या करेगा, और जो हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगा, मतलब दूध हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पीने लायक भी रह जाएगा दूध, ठीक है, तो एडजस्टेड टॉलरेंस इनकम्पैटिबिलिटी में आ गया, मतलब क्या हो रहा है कि हमें लग रहा है कि इसमें रिएक्शन ऑक्सीडेट कलर चेंज हो रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर बाद हमारी किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम क्या करेंगे उसमें दूसरा या तीसरा कोई सब्सटेंस ऐड कर देंगे जो क्या करेगा, जो इफेक्ट होता है सिर्फ का पीने, मतलब उसको पीने लायक ही रहने देगा, हो ये नहीं होगा कि हमारा प्रोडक्ट तो सही हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन क्या हुआ, पीने लायक नहीं रहा, तो वो जो मतलब उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है प्रोडक्ट का, वो उस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये क्या हो गई, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, क्लियर है, ठीक है, अब है इसकी एग्जाम्पल कि कैसे कैसे होती थी ये, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले तो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब जो है, जो इंग्रेडिएंट है वो इकट्ठे होके आ रहे हैं ऊपर की तरफ, अगर हम शेक करेंगे तो वो मिक्स हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, दूसरा हो गया गैस फॉर्मेशन, गैस फॉर्म हो जाती है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम किसी कंटेनर को खोल नहीं रहे हैं, और जब हम अचानक से खोलते हैं तो गैस जो है वो इवॉल्व होकर एकदम से बाहर आ जाती है, ठीक है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स को हमने उसमें मिक्स किया है, अगर हम एक सिंगल इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, वाटर को हम रख के रखते हैं, 10 दिन बाद भी खोलो, कोई इसमें कुछ नहीं होगा, अगर हमने इसमें इंग्रेडिएंट बहुत सारे मिक्स कर रखे हैं और हमें लगता है कि इसे गैस फॉर्म कर देंगे, जब हम 10 दिन बाद इसको खोलेंगे तो क्या होगा, गैस इवॉल्व होकर एकदम से बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल थे कि पहला प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दूसरा था कि गैस फॉर्मेशन हो रहा है, थर्ड क्या है, कलर चेंज, कलर चेंज इससे होता है ड्यू टू द चेंज इन पीएच, पीएच की वजह से चेंज हो जाता है, ठीक है, और फोर्थ था आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं, तो ये थी हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात, ठीक, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, केमिकल रिएक्शंस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और केमिकल रिएक्शन किस में चेंज कर रही है, किसी प्रोडक्ट में जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो गया कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है, इनकम्पैटिबल बना रही है प्रोडक्ट को, वो हो गई फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, अब थर्ड आती है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, थर्ड क्या है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या है, देखो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे क्या हो रहा है, एलर्जिक कंडीशंस हो रही है, एलर्जी हो रही है मुझे स्किन पर, डॉक्टर क्या करता है उसकी एलर्जीज को देखता है और उसको एलर्जी की जो मेडिसिन होती हैं वो दे देता है, ठीक है, डॉक्टर ने तो किसने दिए कि इसकी एलर्जी है वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन क्या होता है, हमने क्या किया, 2-3 ड्रग मतलब कॉम्बिनेशन में दे दी हमने टैबलेट्स वगैरह, 4-5 कॉम्बिनेशन में हमने टैबलेट्स दे दी उसको, जब उसने खाई वो तो क्या हुआ, जो उसकी एलर्जी थी वो रिड्यूस होने की बजाय बढ़ गई, ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो हमारी जो ड्रग जो हमने टैबलेट्स वगैरह लिए थी वो इफेक्ट करती कि इसकी एलर्जी को रिड्यूस करती, लेकिन वो क्या कर रही है, बढ़ा रही है, चेंज कर रही है, अनस्टेबल कर रही है उसको, तो ये क्या हो गई, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, क्लियर है, मतलब हमने तो दिया है कि अगर आप सिर में दर्द, मैं सिर में दर्द के लिए देती हूँ कि मैंने इनको सिर में दर्द के लिए दे दी है दवाई, लेकिन मैंने तो सिर में दर्द के लिए दी है, लेकिन इनको क्या हो रहा है, इनको सिर में दर्द नहीं हो रहा, फीवर चढ़ जाता है उसके साथ, क्यों, थेरेप्यूटिक जो इफेक्ट था ड्रग का वो नहीं दे रही है, तो वो क्या हो गई, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गई किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, इसमें लिखो इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी मे बी अ रिजल्ट ऑफ prescribing certain drugs to the patient with the intention to produce a specific degree of action intention
to produce a specific degree of action, but the nature or the intensity of the action produced is different from that nature or the intensity of the action intended by the prescriber ठीक है क्या होता है कि मतलब जिस जिस मर्ज के लिए हमने दी है दवाई वो तो इफेक्ट नहीं देती है अलग से कोई इफेक्ट देती है तो वो क्या हो गई थेरेप्यूटिक इनकंपैटिबिलिटी हो गई तो थेरेप्यूटिक इनकंपैटिबिलिटी कैसे होती है अगर हमने क्या किया जो प्रेस्क्रिप्शन अगर हम पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं ड्रग को कोई कोई क्या होता है टैबलेट को इजीली स्वॉलो नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है चार पांच टैबलेट जो होता है वो प्रेस्क्राइबर होता है वो क्रश करके दे देता है कि पाउडर फॉर्म में ले रहे तुम ड्रग को अगर हमने किया उनको इम्प्रॉपर मिक्सिंग कर दी है क्या कर दी हमने अगर अलग हमने इम्प्रॉपर मिक्सिंग कर दी या रॉन्ग डोज थी हमने उसमें भी वो मिक्स कर दी तो क्या कहते हैं जो इफेक्ट देना होना चाहिए था ड्रग का वो नहीं आ रहा है ठीक इम्प्रॉपर मिक्सिंग से होता है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग से होता है हमें पता है कि इस ड्रग को हमें दूध के साथ नहीं लेना है फिर भी हम क्या करते हैं दूध के साथ सॉलो कर लेते हैं उस टैबलेट को ठीक है तो जो इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आता है मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती है हमें पहले से ही पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं जानबूझ के तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करता है ठीक है तो नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक ड्रग्स होती हैं तो मतलब ये इसके रीजन है कैसे कैसे हो रहा है एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि दोनों ड्रग्स हैं ठीक है दो ड्रग्स अगर हम मिक्स कर रहे हैं साथ में तो वो अपने एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं ठीक है एक्शन जब वो प्रोड्यूस करेंगी तो दोनों के इफेक्ट क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो क्या होता है ये एंटागोनिस्टिक ड्रग होती है जैसे हम आइबो या पैरा लेते हैं डेक्लोपैरा लेते हैं डेक्लोफेनाक और पैरासिटामोल की टैबलेट ले ली वो क्या करती है दर्द और बुखार में राहत देती है देखा होगा आपने डेक्लोपैरा जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करता है लेकिन हमने क्या ले लिया डेक्लोपैरा तीसरी ड्रग और ले ली या डैक्लो और डैक्लो की जगह हमने दूसरा कॉम्बिनेशन ले लिया उसको पैरासिटामोल के साथ मिक्स कर दिया तो जो इनका अफेक्ट करना चाहिए था मतलब ये दर्द को कम करने वाली थी लेकिन ये क्या कर रही है दर्द को कम नहीं कर रही है एंटागोनिस्ट इफेक्ट दे रही है ठीक है अलग अलग इफेक्ट दे रही है जो इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है तो ये होते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ठीक है विपरीत इफेक्ट जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको विपरीत तो पहला क्या था कि कैसे कैसे होती है थेरेप्यूटिक इनकंपैटिबिलिटी क्या होती है ओवरडोज मतलब जैसे आपको पता है ओवरडोज ज्यादा डोज में हमने लेते हैं अगर इट मे बी ड्यू टू इसमें लिखो इट मे बी ड्यू टू ओवरडोज मतलब एक्सेस अमाउंट में हम डोज को ले रहे हैं ओवरडोज और इम्प्रॉपर डोज ठीक है नेक्स्ट है रॉन्ग डोज गलत तरीके से हम दवाई को ले रहे हैं ठीक है थर्ड है कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि हमें पता है वो डॉक्टर बता देता है कि अगर आप ऐसे लोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर भी हम लेते हैं उसको जानबूझ के वो होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब वो संकेत दे रहा है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग नेक्स्ट जो है किस किस तरीके से होता है ये जैसे केमिकल में क्या हो रहा था केमिकल इनकंपैटिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था कलर चेंज हो रहा था तो थेरेप्यूटिक इनकंपैटिबिलिटी कैसे अराइज होती है अगर हम डोज को गलत